नमस्कार, आप देख रहे हैं ए टू जेड न्यूज लाइव। मैं हूं पीके सिन्हा पटना से। आज गांधी मैदान में लंका दहन का कार्यक्रम 4 बजे से होने वाला है और अभी मैं बता दूं कि 12 बजे से 1 बजे के आसपास में पटना पुलिस के द्वारा पटना रूट के जितने भी रोड है, सड़कें हैं, मैक्सिमम सड़कें को क्लोज कर दिया गया है। सारे सड़कों का रूट प्लान बदल दिया गया है जिससे कि जो लंका दहन में देखने के लिए जो आम लोग आएंगे, महिला व पुरुष, उनको कोई परेशानी ना हो। मैं आपको बताते चलूं कि 4 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें आपका जो है लंका दहन, अशोक वाटिका, ये सब की जो है कार्यक्रम चालू हो जाएगी। 4:15 पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का आगमन होगा और 4:30 पे बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन आएंगे और वो विधिवत इस प्रोग्राम का उद्घाटन करके उसके बाद में लंका दहन का कार्यक्रम किया जाएगा, रावण दहन का कार्यक्रम किया जाएगा। और इसके लिए पटना पुलिस पूरी तरह से व्यवस्था एकदम चाक चौंध कर चुकी है। 13 गेटे बनाई गई है जिसमें कि आम लोग उस गेट से जा सकेंगे और वीआईपी पर्सन के लिए गेट नंबर 1 रखा गया है जिसके द्वारा मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अन्य वीआईपी पर्सन जो भी हैं वो उस गेट से जाएंगे। बाकी 12 जो गेटे बने हैं वो और भी वीआईपी पर्सन और आम पब्लिकों के लिए बने हैं, अलग अलग गेट बने हैं जिस गेट से वो अंदर जाएंगे। और इस बार खास ये है कि केरल से 22 की केरल के टीम आई है जो कि इस बार जो है रावण की पुतला को उन्होंने बनाया है खास तरह की। और इस बार केरल की टीम जो है इस बार उसको जीवंत एवं चलंत जो है ये रावण दहन का कार्यक्रम उसमें दिखाएंगे, ठीक है, जिसमें जो भी कार्यक्रम होंगे उसमें वो सब कुछ चलंत व जीवंत दिखेंगे लोगों को और बेहद ही रोचक ढंग से और बेहद ही काफी मेहनत से उन्होंने बनाया है। और मैं आपको बताते चलूं कि इस बार पटाखे का इस्तेमाल नहीं किया गया है शोर शराबे के कारण। इस बार जो है सो सतरंगी रोशनी का जलवा देखने को मिलेगा आम लोगों को, आसमान में सतरंगी रोशनी का जलवा दिखाया जाएगा जिससे कि पटाखे का इस्तेमाल शोर शराबा ना हो, ये सब चीजों को ध्यान में रखा गया है। मैं आपको बताते चलूं इस बार जो रावण का जो हाइट रखा गया है 70 फीट का रखा गया है, मेघनाथ का जो रखा गया है हाइट वो लगभग 65 फीट रखा गया है। तो इस ढंग से हाइट रखा गया है 70 फीट, 65 फीट और 60 फीट रखा गया है। और इस बार मैं आपको बता दूं कि 1 बजे से आम लोगों की एंट्रियां की जाएगी और जब तक लोग वहां से गांधी मैदान से बाहर नहीं निकलते हैं तब तक पुलिस वहां पे लगातार बनी रहेगी, पुलिस की टीमें लगातार वहां से नहीं हटेगी ताकि किसी प्रकार की कोई भी घटना या दुर्घटना ना हो। और इस बार मैं बता दूं कि 10 आपका सेंटर बनाया गया है, 10 सेंटर बनाया गया है जो कि ऊपर से देखेंगे और कैमरा रहेंगे, कैमरे से रिकॉर्डिंग की जाएगी ताकि सब पे नजर बनाई रहे। प्लस 60 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिस पे पौनी नजर रहेगी लोगों को और 5 हेल्प डेस्क बनाए गए हैं जिससे कि किसी को मदद दी जाएगी जो भी किन्हीं को परेशानियां होती है। उसके बाद मैं बताते चलूं कि जो पटना पुलिस है और प्लस दशहरा कमेटी है उन्होंने आम लोगों से घोषणा की है कि आप लोग अपने बच्चे के जेब में अपने नाम, पता, मोबाइल नंबर, एड्रेस का एक पर्ची डाल दे जिससे कि बच्चा अगर किसी प्रकार से मिस हो जाता है या गुम हो जाता है तो उसे तुरंत पहुंचाया जा सके अपने गार्जियन के पास में। तो इस ढंग से सारी तरह की व्यवस्था की गई है पटना पुलिस और दशहरा कमेटी के द्वारा ताकि किसी भी प्रकार की कोई परेशानियां ना हो। तब तक आप बने रहें ए टू जेड न्यूज लाइव के साथ।